हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14, जिसका शीर्षक है सी लिव्ड हर ड्रीम, इसका हिंदी अर्थ होता है उन्होंने अपने सपनों को जिया। कौन है वो लोग? तो वो है कल्पना चावला। यह पाठ आपको बताता है कि कैसे कल्पना चावला ने न केवल भारत का नाम रोशन किया, बल्कि यह भी सिखाया कि मेहनत और हौसले से कुछ भी संभव है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को और पढ़ करके सीखते हैं इस कहानी से, ठीक है। सबसे पहले इस चैप्टर का वार्मर देख लेते हैं। तो वार्मर है, वुमेन आर श्योरली प्रोग्रेसिंग इन इंडिया, यानी महिलाएं जो हैं, भारतीय महिलाएं, वो पक्के तौर पे कहा जा रहा है कि वो प्रोग्रेस कर रही है, यानी अपने जीवन में आगे बढ़ रही है। दे आर नॉट ओनली becoming independent but also trying to bring about a positive change in our society. इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि जो महिलाएं हैं वो केवल इंडिपेंडेंट ही नहीं हुई है, यानी खुद पे निर्भर ही नहीं हुई है, बल्कि वो ये भी कोशिश कर रही है कि अपने समाज में किस प्रकार का एक पॉजिटिव चेंज लाया जाए, उसमें भी वो लोग अपना परिवर्तन दे रहे हैं। उसके बाद है सच वोमेन आर एवरीवेयर, इस प्रकार की महिलाएं हर जगह हैं इन आर कंट्री, यानी हमारे देश में, फ्रॉम द नॉर्थ साउथ एंड फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूरब से लेकर के पश्चिम तक, भारत की हर दिशा में ऐसी महिलाएं आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है, हैव यू एवर हर्ड और रीड अबाउट एनी सच वुमेन, क्या आपने कभी इस प्रकार की महिलाओं के बारे में सुना है, जैसे कल्पना चावला, लता मंगेशकर, इनके बारे में सुना है या पढ़ा है उनके बारे में? डू यू नो हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या आप जानते हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ठीक है, शायद आपको इसका आंसर पता होगा, आप हमें जरूर बताइए। द होल वर्ल्ड वॉज एक्साइटेड एज कल्पना चावला वॉज टू रिटर्न, होल्ड यानी पूरी दुनिया, एक्साइटेड मतलब उत्साहित था। किस लिए उत्साहित था? क्योंकि कल्पना चावला वापस आ रही थी, कहाँ से? फ्रॉम द स्पेस, कहाँ से? स्पेस, स्पेस यानी अंतरिक्ष से। पीपल वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट हर रिटर्न ऑन फरवरी 2003, यानी लोग जो भी थे वो सभी इस बात का प्लान बना रहे थे, योजना बना रहे थे कि हम सेलिब्रेट करेंगे इस रिटर्न को, यानी इस वापसी को। बट लेकिन द रिटर्न नेवर हैपन्ड, लेकिन घटना क्या घटा कि रिटर्न हुआ ही नहीं। एज द कोलंबिया शटल, कोलंबिया शटल ये है अंतरिक्ष स्टेशन, ब्रोक अपार्ट यानी टूट गया, ठीक है, यहाँ से वहाँ तक का जो संपर्क था वो संपर्क टूट गया, जस्ट 16 मिनट्स बिफोर इट वॉज टू लैंड इन फ्लोरिडा, ठीक है, कहाँ पे लैंड करने वाले थे? फ्लोरिडा में, और अभी 16 मिनट ही हुआ है, उससे पहले ही संपर्क टूट गया। मैनी होप्ड फॉर अ मिरेकल, यानी बहुत सारे लोग, यानी सभी लोग इस आशा में थे, ठीक है, कि चमत्कार होने वाला है, लेकिन अलास कल्पना डाइड आफ्टर स्पेंडिंग अ मंथ इन द स्पेस ट्रैवलिंग ओवर 6.5 मिलियन माइल्स इन स्पेस, यानी 6.5 मिलियन दूरी तय करने के बाद उन्होंने, एक महीने के बाद उनका डेथ हो गया, देहांत हो गया। एंड इन 252 ऑर्बिट्स, ठीक है, जो अंतरिक्ष है वहाँ पे ऑर्बिट्स होते हैं, यानी कक्ष होते हैं, उसमें सारे ग्रह नक्षत्र सब अपना चलते हैं, उन सभी को पार करके, इतनी दूरी भी तो है। सी
नॉनथलेस लिव्ड हर ड्रीम। नॉनथलेस का अर्थ होता है फिर भी, यानी वो उनकी मृत्यु तो हो गई फिर भी उन्होंने अपनी जो उनका जो सपना था वो उन्होंने जिया। कल्पना चावला वॉज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन करनाल इन हरियाणा। करनाल कहाँ में? तो हरियाणा में, ठीक है, एक छोटा सा शहर है, यहाँ पर उनका जन्म हुआ है कल्पना चावला का। इन अ ट्रेडिशनल मिडिल क्लास फैमिली, एक ट्रेडिशनल का अर्थ है पारंपरिक, ठीक है, मिडिल क्लास में, छोटे से परिवार में हुआ है उनका जन्म। द यंगेस्ट ऑफ फोर चिल्ड्रेन, यानी सबसे छोटी थी, अपने चार भाई बहन में से सबसे छोटी थी कल्पना। कल्पना स्टडीड एट टैगोर स्कूल, वो कहाँ पे पढ़ी? तो उन्होंने पढ़ाई की है टैगोर स्कूल में। बट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन, लेकिन वो सभी बच्चों में से बिल्कुल ही अलग थी, डिफरेंट। हर लव फॉर द स्काइज, यानी आकाश, एंड स्पेस, अंतरिक्ष, बिगेन व्हेन शी वॉज अ लिटिल गर्ल इन हरियाणा, जब वो छोटी लड़की थी तो उनको बहुत अच्छा लगता था, बड़ा मजा आता था आकाश के बारे में जानने में, उनके बारे में, आकाश में उड़ने में उन्हें बहुत आनंद आता था, ठीक है। हर स्कूल प्रोजेक्ट्स एंड पेपर्स वर अबाउट स्टार्स प्लैनेट्स एंड द आउटर स्पेस, उनका जो स्कूल प्रोजेक्ट होता था वो भी स्काई यानी आकाश से संबंधित होता था, प्लैनेट से संबंधित होता था, ग्रहों से संबंधित होता था, तारों से संबंधित होता था। टीचर ऑफन फाउंड हर स्केचिंग, स्केचिंग मतलब ड्राइंग करना, ठीक है, टीचर हमेशा उनको देखते थे कि कुछ ना कुछ प्रकार की वो ड्राइंग बनाती थी, लेकिन आकाश से संबंधित, एयरलाइंस, इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स, वो क्या करते, दोस्तों के साथ खेलती नहीं थी, ठीक है, जब खेलने का वक्त होता था तो वो ड्राइंग कर लेती थी, कुछ बनाती थी, लेकिन आकाश से संबंधित उनको बड़ा रुचि रहता था, जिसके कारण से ये सपना उनका साकार हो पाया है। वाइल हर बिजनेस मैन फादर सपोर्टेड हर व्हेन शी ज्वाइंड द फ्लाइंग क्लब, कह रहा कि उनके जो पिताजी हैं जो कि एक बिजनेस मैन है, उन्होंने उनका सपोर्ट किया, ठीक है, सपोर्टेड मतलब सपोर्ट किया, ठीक है, जब वो ज्वाइन करना चाहती थी फ्लाइंग क्लब, क्या ज्वाइन करना चाहती थी, फ्लाइंग क्लब वो जब ज्वाइन करना चाहती थी तो उनके पिताजी ने उनका उत्साह बढ़ाया। ही वॉज शॉक्ड, शॉक्ड यानी आश्चर्य किया, आश्चर्य में थे कौन, उनके पिताजी, ठीक है, व्हेन शी चूज फ्लाइंग एज अ कैरियर, ठीक है, उनके पिताजी तब तो आश्चर्य में हो गए जब उन्होंने कैरियर को चुना, फ्लाइंग यानी आकाश में उड़ने वाला एक ऐसा कैरियर जिसको एरोनॉटिक्स कहते हैं, उसको चुना, तो उनके पिताजी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उस समय तो कोई करता ही नहीं था, लड़की में खास करके, लड़का में तो बहुत सारे करते थे लेकिन लड़की में ही करते थे, इसलिए उनके पिताजी आश्चर्य में थे। ही वॉन्टेड हर टू बिकम अ डॉक्टर, उनके पिताजी चाहते थे कि तुम डॉक्टर बन जाओ। कल्पना मैनेज टू विन ओवर हर फादर एंड हर फैमिली टू बिकम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज फर्स्ट वुमेन एरोनॉटिकल इंजीनियर इन 1982। तो उन्होंने अपने पिता को, अपनी माता को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, सभी को समझाया और अपने फैमिली मेम्बर से पहले लड़की थी और ये पहले महिला हैं, फर्स्ट महिला हैं जिन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, पहली महिला जो कि 1982 में की है, ठीक है, तो कल्पना चावला पहली महिला है जिन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की है। उसके बाद हर पेरेंट्स वांटेड टू हर गेट मैरिड, उनके पिताजी चाहते थे, देखिए यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा कि उनके पिताजी क्या चाहते थे, उनके पिताजी चाहते थे कि तुम विवाह कर लो, गेट मैरिड एंड सेटल डाउन, सेटल डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप अपने घर में अपने सेटल हो जाओ कहीं पर विवाह करके, ठीक है, किसी प्रकार में दिक्कत ना हो, माता पिता तो यही चाहते हैं। सो दे, इसीलिए वे स्ट्रॉन्गली अपोज्ड, स्ट्रॉन्गली मतलब बहुत मजबूती से इनका विरोध किया।
हर व्हेन शी वांटेड टू गो टू द यूएस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट तो उस समय उन्होंने इसका स्ट्रॉन्गली विरोध किया जब वो चाहती थी कि हम यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उसके माता पिताजी कहते थे कि नहीं तुम विवाह कर लो ठीक है और सेटल हो जाओ, लेकिन उनको पढ़ने का मन था। उस समय इन्होंने अपने माता पिता का विरोध किया। किस चीज़ के लिए? तो स्टडी के लिए। कल्पना वॉन अगेन, फिर से कल्पना जीत गई ठीक है। फिर से कैसे? तो उन्होंने पहले भी अपने माता पिता से कहा था कि हम ये करेंगे, उनका पिता पिता नहीं मान रहे थे तो मान गए। किस चीज़ के लिए? तो एरोनॉटिकल में एडमिशन के लिए, लेकिन मान गए। अब ये जाना चाहती है कहाँ? यूएसए जाना चाहती है, इसके लिए भी वो फिर से जीत गई क्योंकि अपने माता पिता को मना लिए। शी गॉट हर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सा। इन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली, कहाँ से ली? तो टेक्सा से। कहाँ से? टेक्सा से। अर्लिंगटन एंड डॉक्टरेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ, और इन्होंने डॉक्टरेट की भी उपाधि ली ठीक है। किस यूनिवर्सिटी से? चलिए आगे बताते हैं। तो यूनिवर्सिटी का नाम है कोलोराडो, यानी कोलोराडो यूनिवर्सिटी से इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ली, जिसमें पीएचडी कहते हैं कि पीएचडी तक उन्होंने पढ़ाई की है। इट वॉज देयर दैट सी मेट हर हस्बैंड ठीक है, यानी जब वो डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी कर ली उस समय उन्होंने अपने हस्बैंड से मिली ठीक है। फ्रेंच फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, जो कि फ्रेंच फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे, एंड एविएशन राइटर, और वो एक राइटर भी थे, नाम है उनका जीन पियर हैरिसन। यानी उन्होंने मिली किससे? तो जो कि फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं, राइटर भी हैं, उनका नाम है जीन पियर हैरिसन, उनसे मिली। आफ्टर डूइंग हर पीएचडी, यानी पीएचडी कंप्लीट करने के बाद इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, किस चीज़ में? एरोस्पेस इंजीनियरिंग उन्होंने पीएचडी की, कब? तो 1988 में। सी वर्कड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, तो उन्होंने काम की एज अ रिसर्चर कहाँ पे? तो नासा में, एम्स रिसर्च सेंटर कैलिफोर्निया, वहाँ पे भी काम की है, एम्स रिसर्च सेंटर कैलिफोर्निया में भी। सी बिकेम वन ऑफ द 19 पर्सन्स सेलेक्टेड फ्रॉम 2062 एप्लीकेंट्स टू बिकम एन एरोनॉट, यानी एरोनॉटिक्स में जो उनको 19 लोगों में से एक लोग वो थे जो कल्पना चावला थे, उन्हें भी चुना गया, मतलब उसमें वो सिलेक्टेड हुई। इन मार्च 1955 सी रिपोर्टेड टू द जॉनसन स्पेस सेंटर ठीक है। 1995 में मार्च में उन्होंने सूचना दी ठीक है, कहाँ से? तो जॉनसन स्पेस सेंटर से। और 19 नवंबर 1977 सी मेड हर फर्स्ट फ्लाइट, यानी 19 नवंबर 1997 को उन्होंने पहली बार फर्स्ट फ्लाइट इन एन अमेरिकन स्पेस शटल, कहाँ से? तो अमेरिकन स्पेस शटल से, फॉर 15 डेज, कितने दिन के लिए? तो 15 दिनों के लिए। इट टुक हर ओनली 90 मिनट्स टू सर्कल द अर्थ, जो कि कितना समय लगने वाला था? सिर्फ 90 मिनट लगने वाला था पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने में। कल्पना एंड हर हस्बैंड लव्ड एरियल एरोबेटिक्स, हाइकिंग, बैकपैकिंग एंड रीडिंग। यहाँ पे आप बता रहा है कि कल्पना चावला और उनके हस्बैंड को क्या पसंद था। तो कल्पना चावला और उनके हस्बैंड, इन दोनों को क्या पसंद था? तो एरियल एरोबेटिक्स क्या होता है? हवाई जहाज से संबंधित यात्रा करना, हाइकिंग कहीं दूर जाना घूमने के लिए ठीक है, बैकपैकिंग इसमें भी पद यात्रा होता है ठीक है इसके लिए, और रीडिंग उनको पढ़ना अच्छा लगता था।
दो सी एक्सेप्टेड अमेरिकन सिटीजनशिप, उसने अमेरिकन सिटीजनशिप अपना ली। सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, ठीक है, क्योंकि वो भारतीय थी, वहाँ रही, वहीं विवाह की, तो उन्होंने वहीं रहना पसंद की। कल्पना डिड नॉट फॉरगेट हर होम, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने घर को नहीं भूली, घर को नहीं भूली। एवरी ईयर सी पेड फॉर ट्रिप ऑफ टू टैलेंटेड चिल्ड्रेन फ्रॉम हर टू हर टाउन टू विजिट नासा। वो उस चीज़ के लिए पैसे देती थी कि यदि कोई बच्चा जो कि बहुत टैलेंटेड है और वो नासा जाना चाहती है, ठीक है, तो उनके लिए वो पे करती थी, यानी भुगतान, जो पैसे लगते थे वो खर्च करती थी। सी पेड फॉर द एजुकेशन ऑफ मैनी गर्ल्स, उसने कई लड़कियों के लिए पढ़ने की व्यवस्था की। टू मतलब भी, पढ़ने की व्यवस्था भी की। द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इंस्टीट्यूट द कल्पना चावला अवार्ड टू बी गिवन एनुअली ऑन द इंडिपेंडेंस डे फॉर हर ब्रेवरी एंड सर्विस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तमिलनाडु के इंस्टीट्यूट है जो कि कल्पना चावला अवार्ड देता है, किस चीज़ के लिए, तो इनको उत्साहित करने के लिए, इनके उत्साह के लिए, लड़कियों में उत्साह हो, ब्रेवरी हो, यानी बहादुरी के लिए, सर्विस के लिए, जो कल्पना चावला को याद रख सके हर वर्ष इंडिपेंडेंस डे को, इनके लिए, ठीक है, इनको याद कर सके, इसीलिए दिया जाता है अवार्ड, कल्पना चावला अवार्ड। नाउ कल्पना इज नो मोर, क्योंकि लेकिन अब हमारे बीच नहीं है, बट हर अचीवमेंट यानी उसने जो प्राप्त की अपने जीवन में वो हमारे पास है। सेल कंटिन्यू टू इंस्पायरिंग, ये क्या कर रहा है, हम लोगों को इंस्पायर कर रहा है, यानी प्रेरित कर रहा है। पीपल टू वर्क हार्ड टू रियलाइज देयर ड्रीम, लोग अपनी मेहनत करें और अपनी सपनों को पूरा करें, अपनी सपनों को महसूस करें, जी सके। दैट्स ऑल, इतना था आपका ये कहानी। चलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, तो चलिए इस कहानी से आपको क्या सीख मिला, तो मैं बताता हूँ कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि कल्पना चावला ने अपनी मेहनत से, समर्पण से और दृढ़ता से न केवल अपनी जगह बनाई बल्कि हम सभी के लिए एक प्रेरणा बन गए। उनका सपना बड़ा था और उन्होंने पूरा भी किया। कल्पना चावला की तरह हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम कोशिश करते रहे तो हम भी अपने सपने साकार कर सकते हैं। तो चलिए हम सभी अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। याद रखिए, जो हम सोचते हैं वह हम बन सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू टू स्ट्राइव टू मेक आवर ड्रीम्स कम ट्रू। Remember what we think we become. धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। That's all. Thank you so much.